உங்கள் துறை சார்ந்த தொழில்களில் அதிக முதலீடுகளை மேற்கொள்ளுமாறு உங்களுக்கு இந்த தருணத்தில் நான் அன்போடு அழைப்பு விடுக்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சியை வெகுவாக மிக சிறப்பாக तमिलनाडु की स्टालिन सरकार के मंत्री बी सेंथिल बालाजी को राज्यपाल आर एन रवि ने बीते गुरुवार को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया था। हालांकि कुछ ही घंटों में राज्यपाल अपने फैसले से पलट गए और सेंथिल की बर्खास्तगी को स्थगित कर दिया। इस फैसले को लेकर सीएम स्टालिन और राज्यपाल के बीच टकराव बढ़ गया। सीएम ने इस मामले में राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर पूछा है कि किस पावर के इस्तेमाल से उन्होंने मंत्री को बर्खास्त किया है। एमके स्टालिन ने अपनी चिट्ठी में कहा कि राज्यपाल के पास मंत्रियों को बर्खास्त करने की कोई शक्ति नहीं है, निर्वाचित मुख्यमंत्री को ही ऐसा करने का एकमात्र विशेष अधिकार है। सेंथिल बालाजी केस फॉर जॉब और मनी लॉन्ड्रिंग समेत करप्शन के आरोपों का सामना कर रहे हैं और इन मामलों में वो जेल में बंद हैं। स्टालिन ने अपने पत्र में कहा, मुझे आपकी चिट्ठी 29 जून की शाम 7 बजे मिली, जिसमें कहा गया कि सेंथिल बालाजी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है। इसके बाद दूसरी चिट्ठी रात करीब 12:45 बजे मिली, जिसमें इस आदेश को वापस ले लिया गया। मैं इसलिए पत्र लिख रहा हूं ताकि राज्यपाल इस मामले में तथ्य और कानून दोनों स्पष्ट रूप से समझाएं। सीएम ने यह भी आरोप लगाया कि बर्खास्तगी का आदेश जारी करने या उसे रोके रखने से पहले ना तो उनसे और न ही उनके मंत्रिपरिषद से सलाह ली गई। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने जल्दबाजी में और संविधान के प्रति बहुत कम सम्मान के साथ काम किया। तमिलनाडु के सीएम ने राज्यपाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने सेंथिल बालाजी के खिलाफ कार्रवाई तो कर दी, लेकिन पिछली AIADMK सरकार के दौरान किए गए भ्रष्टाचार के मामलों में पूर्व मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी के लिए उन्होंने महीनों चुप्पी साध रखी थी। स्टालिन ने आगे कहा कि उनकी सलाह के बिना मंत्री को बर्खास्त करने वाला उनका असंवैधानिक संचार कानून की दृष्टि से गैरकानूनी और अमान्य है, इसलिए इसे नजरअंदाज कर दिया गया। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार। गुरु फतेह। आदाब। नमो बुद्धा।